गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी एक बार फिर से गिरती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन दरअसल जेल में ऐश काटते हुए नजर आ रहे हैं। 4 से 5 लोग हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। उन्हें हेड मसाज दिया जाता है, उन्हें फुट मसाज दिया जाता है, साथ ही साथ बिस्लरी की तमाम बॉटल्स पानी की पड़ी हुई नजर आती हैं। एक स्पेशल रूम उन्हें दिया गया है और साथ ही साथ उस रूम के अंदर अखबार से लेकर टेलीविजन तक मौजूद है, मोबाइल फोन तक मौजूद है, सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। सवाल ये है कि अदालत द्वारा दी गई सजा क्या इस तरह की होती है? क्या एक आम अपराधी जो ट्रायल पर होता है उसे इस तरह की सुविधा मुहैया करवाई जाती है? सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सफाई दी और मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर डाला। उन्होंने पक्ष रखते हुए न सिर्फ बचाव किया बल्कि एक बयान भी दिया और ये कहा कि स्पाइनल इंजरी के 2 ऑपरेशन हुए हैं, उनको डॉक्टर ने रेगुलर फिजियोथेरेपी बताई थी। कोविड के बाद उनके लंग्स में पैच है जो ठीक नहीं हुआ है। किसी आदमी की बीमारी और उसको दिए जा रहे इलाज का मजाक बनाने की सोच ही बहुत घटिया है। इस पर मनीष सिसोदिया भी ट्रोल होते हुए नजर आए। दरअसल जो स्पाइनल इंजरी और जिस तरह की स्पाइनल इंजरी की थेरेपी देने की बात की जा रही है उसका भी एक डॉक्यूमेंट सामने आया है और वो डॉक्यूमेंट है स्पाइनल इंजरी का 23 सितंबर का, लेकिन थेरेपी और अगर आप देखें कि मसाज तो वो 13 तारीख को दी जा रही है, 14 तारीख को दी जा रही है, 21 तारीख को दी जा रही है, यानी कि 21 को ये वीडियो सामने आती हैं और 23 को डॉक्टर लिख कर देता है कि उन्हें मसाज दी जानी चाहिए। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने ही घर में घिरती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी निशाना साधा है और बीजेपी ने ये सवाल पूछ डाला है कि अगर प्रॉब्लम स्पाइनल में है यानी कि रीढ़ की हड्डी में है तो फुट मसाज क्यों दी जा रही है, तो हेड मसाज क्यों दी जा रही है? अगर रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो रीढ़ की हड्डी पर मसाज की जानी चाहिए थी, ना कि सिर में मसाज की जानी चाहिए थी। तो आम आदमी पार्टी किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, जो सबूत सामने आ गए हैं वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि सुरेश चंद्रशेखर जिसने अभी हाल ही में एक दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन ने उनसे एक मोटी रकम ली थी जो कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए थी और इस 50 करोड़ के एवज में उन्हें जेल के अंदर सभी सुख सुविधाएं दी जाती थी। तो ऐसे में सत्येंद्र जैन की जो वीडियो सामने आई है ये एक बड़ा प्रूफ है और ये साबित करता है कि तिहाड़ जेल, जिसे ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जेल कहा जाता है, जो दिल्ली सरकार के सीधे सीधे अंडर आता है, उसमें कैदियों को सुख सुविधाएं पैसे लेकर दी जाती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और एक बात और यहाँ पर साबित होती है कि कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन जो कि दोषी है मनी लॉन्ड्रिंग के, वो कोई बड़े राज दिल्ली सरकार के जानते हैं, इसलिए शायद मुंह बंद रखने के लिए उन्हें ये पेशकश की गई है कि उन्हें जेल में हर सुख सुविधा मिलेगी, घर जैसा अनुभव मिलेगा, उन्हें पार्टी से निकाला भी नहीं जाएगा बशर्ते वो अपना मुंह ना खोले। बल पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के ताज़ातरीन अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।